Hello, radiographers. I am also a radiographer. My name is Amir Ahmed Sayyar, and today I will share with you my knowledge about how to make 3D shoulder filming. Let's start the filming process. Let's go to the console. Currently, I am working on a GE Revolution 32 slice machine. तो हम 3D शोल्डर का फिल्मिंग बनाने वाले हैं, फिल्मिंग करने वाले हैं। तो मैंने पेशेंट का नाम और स्कैन एनोनिमाइज कर दिया हूँ कि पेशेंट का डेटा, पेशेंट की डिटेल्स सिक्योर रहे। तो सबसे पहले हमको बोन विंडो सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर कोई शोल्डर का स्कैन करवा रहा है सिटी स्कैन में, तो ऑब्वियसली उसको ट्रॉमा का केस रहेगा या फिर RTA केस रहेगा। तो हमें फ्रैक्चर्स देखने के लिए शोल्डर का स्कैन करते हैं। अगर पेशेंट को सिर्फ पेन का हिस्ट्री है, डिसलोकेशन का हिस्ट्री है या मस्कुलर पेन है, तो डॉक्टर पेशेंट को MRI करने के लिए बोलता है। सिटी स्कैन उसी केस में करवाते हैं अगर फ्रैक्चर सस्पेक्टेड होता है। तो हमें सिर्फ बोन विंडो का यूज है। तो आपको बोन थिन सिलेक्ट करना है और उसको रीफॉर्मेट में डालना है। आपको रीफॉर्मेट में आपको डालने के बाद में 3 mm का एवरेज आपको रखना है। 3 mm एवरेज एक्सियल कोर साइज तीनों विंडोज में आपको 3 mm का एवरेज थिकनेस डालना है। 3 mm एवरेज। और उसके बाद में आपको मल्टी ऑब्लिक सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपके तीनों प्लांस एक्सियल, कॉर्नल, सजाइटल सारे सिमेट्रिकल हो जाएंगे। तो सिमेट्रिकल करने के लिए आपको ह्यूमरस और स्कैपुला से इस ऑरेंज वाली लाइन को पैरेलल करना है। इस तरह से आपको रोटेट करना है, ये पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से पैरेलल करना है आपको, एक ही डायरेक्शन में ये पास होनी चाहिए। ह्यूमरस और स्कैपुला को पैरेलल करना है इस ऑरेंज लाइन से। और इसके बाद में आपको सजाइटल में आना है, कॉर्नल में आना है, और इसको भी ह्यूमरस से आपको पैरेलल करना है। देन सैज इमेज में आना है, सैज में भी आपको इसी तरह से इस ऑरेंज लाइन को ह्यूमरस से आपको पैरेलल करना है। अब ये आपका सिमेट्रिकल बना है या नहीं बना है, ये कैसे डिसाइड होगा, तो मैं आपको ये बताता हूं कि कॉर्नल इमेजेस में एटलीस्ट किसी एक इमेज में आपको कंप्लीट स्कैपुला ह्यूमरस के साथ में दिखना चाहिए। लाइक एज यू कैन सी, हमें ये मिल रहा है, कंप्लीट स्कैपुला ह्यूमरस के साथ में शो हो रहा है। तो ये अभी एक्सियल, कॉर्नल और सजाइटल ये तीनों सिमेट्रिकल है, प्रॉपरली सिमेट्रिकल है। तो अब हम फिल्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सियल का फिल्म बनाना है। इसे तो हमें स्क्रोल करना है ऊपर की तरफ में, ये क्लेविकल आपको शो हो रहा है। तो शोल्डर के पार्ट में क्लेविकल को भी काउंट किया जाता है। तो हम फिल्मिंग ये भी देंगे तो क्लेविकल भी उसमें कवर करेंगे। मैं अब यहां से बैच स्टार्ट करूंगा, स्लाइस कटिंग स्टार्ट करूंगा। बैच सेलेक्ट करना है, लूप पे आना है, यहां पे फिर क्लिक करना है इस इमेज पे, देन सेट स्टार्ट, और फिर स्क्रोल करना है नीचे की तरफ में। और आपको तब तक एंड नहीं करना है जब तक ये स्कैपुला शो हो रहा है। तो आपको और नीचे जाना है, अभी भी स्कैपुला शो हो रहा है। जैसे ही स्कैपुला खत्म होने वाला हो, यहाँ पे खत्म होने वाला है स्कैपुला, तो यहाँ पे आपको सेट एंड करना है और आपको 35 इमेजेस बनाना है। कीबोर्ड से आपको यहाँ पे 35 डालना है, 35 इमेजेस। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं एक्सियल, और इसे ओके करना है तो ये सेव हो जाएगा। अब आप कॉर्नल इमेजेस बनाना है, तो इसको ऊपर की तरफ में स्क्रॉल करना है। ये ह्यूमरस और ये स्कैपुला, ये क्लेविकल, तो आपको क्लेविकल भी कवर करना होगा। ये यहाँ पे भी और आगे जाएंगे तो ये एंड हो जाएगा। तो हमें यहां से ही बैच या फिर स्लाइस कटिंग स्टार्ट करना है। तो आपको पैन सेलेक्ट करना है, यहाँ क्लिक करना है, फिर बैच पे आना है, लूप पे आना है, फिर यहाँ पे सेट स्टार्ट और स्क्रोल डाउन। तो ये बोन जैसे ही खत्म होने वाला होगा, वहां पे सेट एंड करना है आपको, और यहाँ पे आपको 20 इमेजेस बनाना है। 20 और यहां डिस्क्रिप्शन में आप कॉर्नल डाल सकते हैं और सेव कर देना है।
इसके बाद सहज इमेज पे आना है, सजाइटल इमेजेस पे आना है। ये सिमेट्रिकल है बट ये क्रॉस है, हमें इसे रोटेट करने की जरूरत है, हमें इसे सीधा करना है। तो मैं डिस्प्ले में आके रोटेट करूंगा, तो अगर मैं ऐसे रोटेट करना चाहूं तो रोटेट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, मल्टी ऑब्लिक को अनसेलेक्ट करना है, फिर इस इमेज पे वापस क्लिक करना है, फिर आपको रोटेट करना है। यह मुझे परफेक्टली सिमेट्रिकल लग रहा है और सीधा लग रहा है। तो अब मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूं, आप यहां देख सकते हैं फ्रैक्चर है फ्यूमरस में, तो आपको और ऊपर जाना है। यहां पे भी बोन दिख रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां हमें सेट स्टार्ट करना है और फिर स्क्रोल करना है नीचे की तरफ में। ये स्कैपुला है, तो जब तक स्कैपुला एंड नहीं होता है वहां पे हमें स्टॉप करना है। यहाँ पे स्कैपुला खत्म होने वाला है तो हम यहाँ पे एंड करेंगे और हमें 30 इमेजेस यहाँ पे बनाना है, 30 इमेजेस। फिर प्रीव्यू करके देख लेना है ये परफेक्टली बना है कि नहीं, तो ये भी परफेक्ट है। क्लोज करना है और यहाँ पे आपको कमेंट में सैज डाल देना है, या अगर आप कमेंट में नहीं भी डालते हैं तो भी चलेगा, आपको याद होना चाहिए कौन सा एक्चुअल है, कौन सा कॉर है, कौन सा सैज है। तो ओके करना है। तो अभी हमारा फिल्मिंग प्रोसेस हो चुका है रूटीन बोन का, इसे एग्जिट करना है। अब हमको 3D इमेजेस बनाना है, तो उसके लिए हमको सॉफ्ट थिन सेलेक्ट करना होगा, सॉफ्ट थिन, और उसको रीफॉर्मेट में अपलोड करना है। रीफॉर्मेट में अपलोड करने के बाद में ये ऑब्लिक जो है इसे आप VR पे सिलेक्ट करना है, ऑब्लिक को VR में कन्वर्ट करना है, और पैन सेलेक्ट करके इस इमेज पर डबल क्लिक करके इसको सिंगल विंडो करना है। और फिर इसके बाद हमें सिर्फ शोल्डर का 3D कटिंग देना है, तो शोल्डर में हम क्लाविकल और स्कैपुला और ह्यूमरस को काउंट करते हैं, और बाकी रिब केज सर्वाइकल ये सारा हमें कट करके निकालना है। तो उसके लिए हमें सेगमेंट पे क्लिक करना है और फिर स्पेस सीजर पे क्लिक करना है, कट आउटसाइड और इनसाइड रीजन का जो ये लिखा हुआ है इस पे सीजर पे क्लिक करना है, और हमको ड्रॉ करना है, जो भी पार्ट हमें नहीं चाहिए वो कट करके निकाल सकते हैं। इस तरह से रोटेट करके जो भी अनवांटेड पार्ट है उसे आप रिमूव कर सकते हैं। आपको इस तरह से रोटेट करके हर तरफ से अनवांटेड पार्ट जो भी है उसे कट करके निकाल देना है, और सिर्फ शोल्डर का पार्ट आपको शो करना है इमेजेस में, फिल्मिंग में। अब ये बोन इसमें सिलेक्ट हो चुका है, मुझे सिर्फ ये कट करना था, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा, और हमें फिर जो भी कट करना है वो उसे रीड्रॉ करके हम निकाल सकते हैं। और ये आपको ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है जो भी बाहर से, ये पेशेंट का मसल्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जो आप माउस के कर्सर से ब्राइटनेस एडजस्ट करके उसे रिमूव कर सकते हैं। आपको ब्राइटनेस इस तरह से एडजस्ट करना है तो ये रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद में आपको ए पे क्लिक करना है, मींस इंटीरियर पे, तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इंटीरियर पे क्लिक करना है और फिर माउस से आपको राइट क्लिक करना है और एनोटेशन पे आके नो एनोटेशन सिलेक्ट करना है। तो जितना भी एनोटेशन था ये निकल गया। फिर फिल्म सेव पे आना है और बैच पे आना है, देन इस इमेज पे क्लिक करना है, फिर रोटेट पे क्लिक करना है,
और आपको इसका 16 इमेजेस बनाना है, 16 इमेज प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं ये बन चुका है। क्लोज करना है और ओके कर देना है, फिर रीफॉर्मेट को क्लोज करना है। इसके बाद आपको एक्चुअल इमेजेस मैनुअल फिल्म में डालना है और फिर उसके बाद में इसे आप मिनिमाइज कर दीजिए, नीचे ड्रैग करना है और कोरोनल इमेजेस को आपको मैनुअल फिल्म में डालना है, फिर सजाइटल इमेजेस को डालना है, फिर फुल स्क्रीन कर लीजिए और एक्चुअल इमेजेस का फॉर्मेट रहेगा 5x7, कोरोनल इमेज का फॉर्मेट रहेगा 4x5 और सजाइटल इमेजेस का रहेगा फॉर्मेट 6x5। आपको इसमें है ना आपको उल्टा शो होगा, मींस यहाँ पे आपको 8x5 दिख रहा है बट ये एक्चुअल में 5x8 है, मींस आपको है ना राइट हैंड साइड से पढ़ना रहेगा इसमें जी में, थोड़ा सा ये है एक प्रॉब्लम। तो ये एक्चुअल में आपको 5x6 दिख रहा है बट ये 6x5 है, ओके, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम है और 5 रॉ है, 1 2 3 4 5, ये 5 रॉ और 6 कॉलम है। हाँ, ये होने के बाद में आपको एक सिंगल इमेज सिलेक्ट कर लीजिए राइट क्लिक करके, माउस से राइट क्लिक करके एक इमेज क्लिक करना है, उसके ऊपर में एडिटर पे आना है आपको, फिर डिस्प्ले फील्ड में आके ऑल एनोटेशंस को आपको रिमूव करना है। ये भी एनोटेशंस रिमूव हो गए, फिर इसी इमेज के इमेज पे माउस से आपको राइट क्लिक करना है और अप्लाई टू ऑल पेज करना है। तो इससे क्या होगा, सारे फिल्म पे एनोटेशन रिमूव हो जाएंगे बट आपको फर्स्ट और लास्ट इमेज पे एनोटेशन डाल देना है। तो इसका क्या फायदा होगा कि आपको पेशेंट का डिटेल शो होगा फर्स्ट और लास्ट इमेज में और बाकी इमेजेस पे नहीं रहेगा, तो आपको क्या कोई भी पैथोलॉजी डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड करने के लिए बहुत इजी होगा। इसके बाद में आपको डबल क्लिक करके कोई एक बड़ा इमेज पकड़ लीजिए और उसे जूम कर दीजिए, मैक्सिमम जूम रखना है आपको बट ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट कट ना हो। आपको स्पाइन का भी थोड़ा सा रीजन शो करना होगा और शोल्डर तो आपको कम्प्लीटली शो करना ही है। ये अभी एक्चुअली इमेजेस मेरा बन चुका है, अब कॉर पे आना है, कॉर इमेज पे भी एक बड़ा इमेज पकड़ना है और उसे मैक्सिमम जूम करना है। ये होने के बाद में अब फर्स्ट और लास्ट इमेज पे एनोटेशन डाल दीजिए। फर्स्ट और लास्ट इमेज पे मैंने राइट क्लिक करके एडिटर में आके ऑल पे सिलेक्ट करके कंफर्म करना है और इसे क्लोज कर देना है। ये एनोटेशन इस पे आ गए, फिर सजाइटल इमेज पे आपको भी ऐसे ही करना है, फर्स्ट इमेज पे राइट क्लिक करना है, एडिटर में आना है, डिस्प्ले फील्ड में आके ऑल पे क्लिक करके कंफर्म करना है और क्लोज कर देना है। इसी तरह से लास्ट इमेज पे आना है, राइट क्लिक करके एडिटर पे आना है, डिस्प्ले फील्ड में ऑल पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है और क्लोज कर देना है। तो इस तरह से आप एनोटेशन डाल सकते हैं। फिर एक बड़ा इमेज पकड़ के आपको जूम करना है और फिर माउस के कर्सर पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई टू ऑल पेज हो जाएगा, मीन्स आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं इस इमेज पे कर्सर पे क्लिक करने पे ये जितना भी इमेजेस आपने सिलेक्ट किए हैं ये सब पे अप्लाई हो जाता है। तो ये मेरा कंप्लीट शोल्डर का फिल्म बन चुका है। इसके बाद में आपको 3D इमेजेस भी देना है तो इसे मिनिमाइज कर लीजिए और फिर 3D इमेजेस जो थे 16 इमेजेस हमने बनाए थे बट यहाँ पे 17 शो हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। उसे मैनुअल फिल्म में डालने के बाद फुल स्क्रीन कर लीजिए और ये जो 3D कटिंग्स है इसको 4x4 के फॉर्मेट में आपको देना है। तो हमने 16 इमेजेस बनाए थे बट ये 17 इमेजेस हैं, क्यों है ये आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि इस इमेज पे आपको ये डायरेक्शन शो हो रहा है, मीन्स आपने कौन से साइड से कट किया था और किस डायरेक्शन में रोटेट किया था इस पे ये प्रीव्यू शो करता है। तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप इस इमेज को कट कर सकते हैं, मुझे सिर्फ 16 इमेजेस चाहिए तो मैं आप डबल क्लिक करके किसी एक इमेज पे पूरे पेज को सिलेक्ट कर लूंगा और इसे जूम करना है। जूम करके कर्सर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इमेजेस आपके सिलेक्ट है वो सब पे अप्लाई हो जाता है आप जो भी चेंजेस करते हैं। ये होने के बाद में, जूम होने के बाद में आपको फिर हर एक इमेज को सेट करना होगा कि वो कट ना हो। यहाँ पे क्लेविकल इस इमेज में कट हो रहा है तो मैं इसके लिए अलग से थोड़ा सा जूम आउट कर लूंगा और इसे बीच में एडजस्ट करूंगा। इसमें स्कैपुला हल्का कट हो रहा है तो इसको भी आपको थोड़ा जूम आउट करना होगा
इस तरह से, और बीच में एडजस्ट करना होगा। आपको इसी तरह से हर इमेज को सेट करना होगा। जो ज्यादा जूम लग रहा है उसे आप जूम आउट कर सकती हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमारा 3D शोल्डर का फिल्म कंप्लीट हो चुका है। ये एक्चुअल इमेजेस हैं, ये कॉर्नल है और ये सजाइटल है और ये 3D है। तो इसके बाद आपको एनोटेशंस डालने हैं हर फिल्म पे। लाइक ये एक्चुअल फिल्म है तो मैं इस पे एनोटेशन डालूंगा राइट शोल्डर एक्चुअल। कॉर्नल पे आपको डालना है राइट शोल्डर कॉर्नल, और ये साइज में है तो इस पे आपको डालना है राइट शोल्डर साइज लैटरल टू मीडियन। आप एडिटर में आके ये देख सकते हैं मैंने क्या एनोटेशन डाला हूं इस पे। राइट शोल्डर का स्कैन था इसलिए मैंने राइट शोल्डर पुट किया। फिर सजाइटल कटिंग आपका कहां से कहां तक स्टार्ट हुआ है तो मैंने लैटरल साइड से कट करना स्टार्ट किया हूं और मीडियल साइड में स्टॉप किया हूं। लैटरल साइड से स्टार्ट किया और मीडियल साइड में स्टॉप किया, तो आपको ये डालना होगा। तो आप अगर मीडियल साइड से स्टार्ट करेंगे तो मीडियल टू लैटरल डालना होगा। तो ये सजाइटल इमेजेस में, साइज इमेजेस में ये एनोटेशन डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, चार फिल्म बन चुके हैं। तो 3D शोल्डर के ये चार फिल्म होते हैं। सो रेडियोग्राफर्स, दिस वॉज द फुल प्रोसेस दैट हाउ टू मेक 3D शोल्डर फिल्मिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।